कोरोना वायरस की दूसरी लहर के साथ ही महाराष्ट्र में लोग इस वक्त बहुत विचलित हैं। पिछले साल हमने एक एक्टर जो कि प्रोफेशन से डॉक्टर भी हैं, उन्हें अपने एक्टिंग करियर को परे रख कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनकी सेवा करते हुए देखी थी। और इस बार भी मेरी नज़र उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर पड़ी, जहां उन्होंने लिखा कि मैं कुछ वक्त तक इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया से, अपने फैन से दूर रहूंगा क्योंकि मेरी ज़रूरत एक बार फिर आन पड़ी है। फिर वो लोगों की सेवा के लिए, कोरोना पेशेंट्स को देखने के लिए दिन रात अपने दूसरे प्रोफेशन की तरफ बढ़ चले हैं। मेरे साथ हैं आशीष गोखले। आशीष, पिछले साल भी हमारी बात हुई थी, बहुत सारे पेशेंट्स आपने देखे थे, एक एक्सपीरियंस ही अलग रहा था। अभी का माहौल आप किस तरीके से देखते हैं? अभी कोरोना की दूसरी लहर आई है, लेकिन उसमें एक दो चीज़ें पॉजिटिव है कि आप देखेंगे अगस्त सितंबर अक्टूबर तब डेथ रेट बहुत ज़्यादा था, अभी डेथ रेट कम हो गया। ओके, केसेस बढ़ गए, वायरस का स्प्रेड बढ़ गया, वायरस का म्यूटेशन हो गया, लेकिन डेथ रेट कम हो गया क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो रही है लोगों में। पैनिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आजकल हर कोई पैनिक हो रहा है और हर कोई जाके टेस्ट कर रहा है और हर मतलब इमिडिएटली जाके एडमिट हो रहा है। तो आपके माध्यम से मैं सभी को ये कहना चाहूंगा कि आप पैनिक मत हो जाइए। अगर आपका सेचुरेशन, ऑक्सीजन लेवल जो हर कोई आजकल माप रहा है वो अगर बिलो 90 जा रहा है, ओके, तो आपको एडमिशन की जरूरत है। अगर इट इज अबव 92, ओके, 92 के आगे है तो आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ पॉजिटिव आ गए इसलिए आप एडमिट मत हो जाइए। क्या है ना, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे, इतने सारे ऑक्सीजन फोन की भी कॉल्स आ रहे काफी हैं। कमी ऑक्सीजन की भी काफी कमी हो रही है। इनफैक्ट कल ही आपसे बात हुई थी बेड्स के लिए, तो आप कह रहे थे बेड्स की कमी हो रही है लोगों को। एक्चुअली क्या हो रहा है, पॉजिटिव आने के बाद लोग तुरंत जाके एडमिट हो रहे हैं, और अगर कोई डॉक्टर बोलेगा ना कि आपको एडमिशन की जरूरत नहीं है, आपको एडमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन लोग मानते नहीं कि नहीं एडमिट करा लो, क्योंकि लोग बहुत डर गए। तो लोगों ने डरना नहीं चाहिए, आप डरिए मत, आप पॉजिटिव आ गए। 90% ऑफ द पीपल इन द सेकेंड वेव आर गेटिंग क्योर्ड एट होम, वो घर पे ही ठीक हो रहे हैं, 90% लोग घर पे ही ठीक हो रहे हैं। 10% लोगों को सिर्फ हॉस्पिटल में जाकर एडमिट होने की जरूरत पड़ रही है, नहीं तो आप घर पे ठीक हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। अगर डॉक्टर कहता है तो सिटी स्कैन कीजिए, अगर डॉक्टर कहता है एडमिट होना चाहिए तो एडमिट हो जाइए। क्या आप जाके नहीं नहीं एडमिट ही करा लो, ओके, आप पैनिक हो के एडमिट नहीं एडमिट कर लो तो डॉक्टर क्या कहता है, ठीक है भाई हो जाए एडमिट, हमें क्या करना है। तो जो इसेंशियल जो जरूरत है जिनको ना, उनको बेड नहीं मिल रहे उसकी वजह से। तो आप अभी किसी पेशेंट को देख करके आ रहे हैं? इनफैक्ट डॉक्टर आशीष से मेरी मुलाकात रास्ते में हुई है, वो किसी पेशेंट को देखने ही यहाँ पर आए थे अंधेरी लोखंडवाला में। तो किस तरह की स्थिति में आप घर जाकर के पेशेंट्स को देखते हैं? एक्चुअली जो जिनको माइल्ड सिम्टम्स है ना, वो घर पे ट्रीट हो रहे हैं। आजकल कई हॉस्पिटल्स में, होटल में आइसोलेशन किया है, 90% पीपल आर गेटिंग क्योर्ड इन होम आइसोलेशन। तो घर पे लोग ट्रीट हो रहे हैं। अगर आपको फीवर, कॉफ, कोल्ड है तो सबसे पहले फैमिली डॉक्टर से आप दवाइयाँ लीजिए। अगर फैमिली डॉक्टर के पास से दवाई लेने के बावजूद भी 7 दिन के बाद आपका फीवर, कॉफ, कोल्ड नहीं सबसाइड हो रहा है, तो सेचुरेशन वगैरह आप चेक करते हैं हमेशा, वो अगर बिलो 92 जा रहा है तो आपका एडमिशन की जरूरत है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि फैमिली डॉक्टर से अगर प्रॉपर मेडिकेशन दे रहे हैं आपके फैमिली डॉक्टर, तो 7 दिन का अगर कोर्स किया, 5 दिन का कोर्स किया, तो उससे आपकी ये फीवर, कॉफ, कोल्ड ये वैनिश नहीं होगा, ऐसे नहीं होता। इसके पहले भी सर्दी, बुखार, खांसी हो रही थी। एंड देर आर 380 ट्रिलियन वायरसेस आर इनसाइड अवर बॉडी, इट इज कॉल्ड ह्यूमन वायरोम। तो अगर आप हर कोई ढूंढने जाएंगे तो कोई ना कोई तो वायरस पॉजिटिव आएगा ही, तो आप डरिए मत, ये असिम्टोमेटिक भी पॉजिटिव आता है। तो ट्रीटमेंट लीजिए, प्रॉपर फैमिली डॉक्टर से पहले ट्रीटमेंट लीजिए, अगर उसके बावजूद, 7 दिन के बावजूद जरूरत पड़ रही है तो जाके एडमिट हो जाइए। डॉक्टर आशीष, किस तरह की सावधानी लोग नहीं बरत रहे हैं इतना कुछ जाने के बावजूद भी? लोग अभी भी कूड़ा कचरा किधर भी फेंक रहे हैं, किधर भी थूक रहे, वो सबसे बहुत गंदी चीज़ है। आप लोगों ने ना रास्ते पे थूकना बंद करना चाहिए, वो पिकदानी रखिए साथ में, आप उसमें थूकिए। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं मेंटेन कर रहे, मतलब इतनी वापस भीड़ 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 जमा हो रही है। ये सेकेंड वेव का कारण हम लोग ही है, क्योंकि हमने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं किया, हमने वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने हमने फॉलो करने बोले थे वो हम फॉलो नहीं कर रहे, इसके लिए सेकेंड वेव आ रही है। वायरस का स्प्रेड इसकी वजह से ज़्यादा हो रहा है। फॉर्चुनेटली वी आर लकी, वी इंडियंस आर लकी कि आर इनेट इम्यून सिस्टम इज वेरी स्ट्रांग, इसलिए हमें बच रहे, और होम आइसोलेशन में पीपल आर गेटिंग क्योर्ड मोर देन एनीथिंग। एक बात और जानना चाहूंगी कि जो स्थिति, जो माहौल बन रहा है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में कंप्लीट लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत है? हाँ,
ये मैं नहीं बता सकता, मैं बस लोगों को कंप्लीट लॉकडाउन हो जाएगा ना तो मतलब सी इकोनॉमी विल ऑल्सो गेट क्रैश, तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हर किसी ने ना ओथ लेनी चाहिए कि मैं कचरा नहीं फेंकूंगा, मैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करूंगा, जो जो सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने बताई उसके सारी चीज़ों का मैं आई विल फॉलो एवरीथिंग, तो लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, हम आराम से वी कैन लिव दिस विद दिस वायरस। लोग पैनिक हो रहे हैं और लोग जाके डायरेक्टली जाके आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हो, डायरेक्टली जाके आप स्कैन कर रहे हो, तो ऐसे मत कीजिए, फॉलो डॉक्टर्स एडवाइस ओके, और उसके हिसाब से आप अपने अगले कदम उठाओ। अगर आप प्रॉपरली सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि कंप्लीट लॉकडाउन की जरूरत पड़ेगी, अगर नहीं फॉलो करेंगे तो गवर्नमेंट के पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर आशीष इन सारी जानकारियों का, क्योंकि ये फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिस तरीके से आप देख सकते हैं वो अपने पीपीई किट पहन करके लोगों के घरों तक भी जा रहे हैं, लोगों का इलाज भी कर रहे हैं जिनके केसेस इतने ज़्यादा सीरियस नहीं हैं। जैसा कि डॉक्टर आशीष ने कहा कि आप घर पर भी खुद को ट्रीट कर सकते हैं, थोड़ी सावधानी बरती है, अपना ख्याल कीजिए, अपनों का ख्याल कीजिए। कैमरामैन सागर खरे के साथ ज्योता मित्रा, सुवर्णा, इंडिया टीवी, मुंबई।